हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से आज मार्केट गिरता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी 50 अच्छा तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी मिड कैप तो वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है काफी अच्छे तरीके से। इसी तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप और सारे के सारे इंडेक्सेस यहाँ पर बेहतरीन लेवल पे यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। तो क्या रीजन है? ओके, रीजन तो मोस्टली आपको पता ही होगा, वही सब मेन रीजन है। बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि हम रीजन में ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो तो होना ही है, मार्केट है, मार्केट में गिरावट होती रहती है। बट करना क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी शुड टेक, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर तो अगर आपको थोड़ी सी अनवांटेड लॉइंग नॉइस आ रही हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर बराबर में काम चल रहा है तो शायद यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी आवाज आ सकती है, तो इसे यहाँ पर इग्नोर करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हम बात करेंगे कि किस क्यों मार्केट यहाँ पर गिरी, ओके, और उसके बाद हमें करना क्या है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, और क्या मार्केट अब संभलेगी। क्योंकि पोर्टफोलियो का हाल देखिए तो आज के दिन में एक बड़ी गिरावट, इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर जब ये गिरावट होती सबसे बड़ी वाली, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट होती हुई नजर आई थी। और रिकवरी की बात करें जो बहुत यहाँ पर जब मार्केट ऊपर भागा भी था, स्टिल इतने पैसे यहाँ पर नहीं बने थे जितने यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर गिरते हुए नजर आए थे। तो उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके के वीडियो डेली बेसिस पर मिलते रहे, ओके। और जब भी हम यहाँ पर आए आपको अच्छी खासी नॉलेज देके जाए, आपको बताए मार्केट में एग्जैक्टली करना क्या चाहिए और क्या हमें ऐसे डर जाना चाहिए या फिर हमें कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और इस ये सारी की सारी मार्केट की एक हैबिचुअल थिंग है। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और उनके नोटिफिकेशन को ऑन, और अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ओके। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मार्केट गिरने के पीछे क्या रीजन क्या है, तो यहाँ पर सबसे मेन जो रीजन है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये वॉर की कंडीशंस बनी हुई है, ओके, उसका उससे रिलेटेड यहाँ पर भी ये मार्केट में गिरावट होती है नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी कि कैसे यहाँ पर सारी की सारी चीजें अब चेंज होती हुई नजर आ रही है, कोई कुछ भी कहे। तो देखिए युद्ध तो नहीं होने वाला, ओके, क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका की, इट इज शोइंग ए स्मार्ट स्टेप, इस तरीके से दिखा रहा है कि ये स्मार्ट हो सकता है, ओके, रशिया। और अगर यूएस की बात करें, अगर कोई छोटी कंट्री होती लाइक ईरान इराक जैसे कि वो पहले भी कर चुका है, ओके, अभी तक अमेरिका जाके बम गेर के ओके तबाह कर चुका होता, बट रशिया के केस में नहीं कर सकता। रशिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द पावरफुल कंट्री, ओके, और इसके पास इतने सारे परमाणु हथियार है जो कि अमेरिका के पास भी नहीं है और ना ही इसके नाटो देशों के पास है। एक एक सब पे गेर दिया, ओके, सीधा का सीधा फायदा चाइना और इंडिया को ही होता हुआ नजर आएगा फ्यूचर में। तो हम मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ओके, नाउ यूक्रेन सीक्स मीटिंग विद रशिया, ओके, यूक्रेन ने कह दिया है भाई हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, ओके, भाड़ में जाए नाटो, ठीक है, हमें अपनी कंट्री को सेव करना है, ओके, और रशिया भी इसके लिए तैयार हो गया है। और ये जब हो गया है, ओके, यहाँ पर नाटो में शामिल नहीं होगा तो रशिया भी शांत बैठ जाएगा, और रशिया को भी अब रशिया ने अपनी ताकत दिखाई दी है, ठीक है, अमेरिका को दिखा दिया, फ्रांस को दिखा दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि यहाँ पर हम ये ईरान इराक नहीं है, ओके, वी आर नॉट द अनएजुकेटेड और द जिसे कहते हैं ना कोई ऐसे बंदे नहीं है जो कायर हो, ओके, ये सिंपल से स्ट्रैटेजी रशिया ने अच्छी खेली और यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है, ओके, सबके सब यहाँ पर चुप होते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर यूएस चुप होता हुआ नजर आएगा, सब कुछ होता चुप होता हुआ नजर आएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। और ये यूक्रेन छोटी सी कंट्री है, लाइक जैसे हमारे इंडिया का बिहार एक इतनी बड़ी कंट्री है, ज्यादा बड़ी कंट्री भी नहीं है, बस ज्यादा यहाँ पर टेंशन दे रखी है बिफालतू की, और इसी की वजह से मार्केट यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यूक्रेन रशिया से यहाँ पर मिल लेगा, चीजें अपने आप शॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो इसी टेंशन की वजह से यहाँ पर हम देखें तो तेल का जो भाव है, ओके, ब्रेंट ऑयल अगर हम देखें तो ये भागता हुआ नजर आ रहा है, आज लगभग 95 रुपीज पे ही जाता हुआ दिखाई दिया था, 94.09 पे यहाँ पर अभी ये फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये कोई भी चीज बढ़ने का एक लिमिट होती है,
ओके वो लिमिट यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर जब मार्केट नेगेटिव चला गया था जब कोविड आया था, उसके बाद एक साथ मार्केट ओपन हुआ, ओके यहाँ पर तो एक साथ ही जब चीजें एक साथ ओपन होती है तो वो थोड़ी थोड़ी धीरे महंगी होने। आप एक एग्जांपल लीजिए, मार्केट आपने काफी दिन तक आपका यहाँ पर आप कोविड की वजह से मार्केट बंद थी, ओके जैसे ही आप मार्केट में गए वहां पर चीजें धीरे धीरे यहाँ पर महंगी होने लगी। तो इसी तरीके से ऑयल भी महंगा हो रहा है, बट धीरे धीरे यहाँ पर ऑयल यहाँ पर सस्ता होता हुआ नजर आएगा, ओके। और धीरे और अगर नहीं भी हुआ तो लोग क्या करेंगे, लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई वो कहीं ना कहीं तो अपने आप एक पॉकेट से पैसे देने की भी तो एक कीमत होती है ना, तो कब तक यहाँ पर पे कर पाएंगे, तो वो भी एक चीज है। तो इस वजह से यहाँ पर सुनर और लेटर बहुत जल्दी यहाँ पर नीचे आने वाला ऑयल, तो यहाँ से भी एक प्रॉब्लम हट जाएगी। और रशिया यूक्रेन का टेंशन है ये भी हटता हुआ नजर आएगा, तो ये इसकी वजह से ये भी डाउन होता हुआ नजर आएगा, और दोबारा जो पहले चला करता था जिस रेट पे, जैसे कि यहाँ पर 70 70 80 के आसपास चलता था और भी नीचे चलता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। और आने वाले 10 साल में इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि मोस्टली इंडिया इज ट्राइंग, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पे यहाँ पर अपने आप को शिफ्ट कर लिया, एक बार वहां पर शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पर ये सारा का सारा ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए मोस्टली बहुत हद तक, पूरी तो नहीं, पूरी तरीके से वी कांट मूव अवे, बट अगर हम बात करें कहीं ना कहीं हम यहाँ पर हटते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर आने वाले 30 साल में ये भी चीज भी खत्म होती नजर आएगी। और फिर उसके बाद बात हो रही है यहाँ पर टेम्परिंग से रिलेटेड, कि यहाँ पर टेम्परिंग होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर एक बड़े यहाँ पर यूएस के ही यहाँ पर अधिकारी है, एक लेडी है, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया 50% तक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ओके 0.50 तक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा जो यहाँ टेम्परिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या फिर हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। और हर एक महीने की जो बात हो रही है कि इस तरीके से वो यहाँ पर इस तरीके से टेम्परिंग करते हुए नजर आएंगे, तो वो चीज यहाँ पर नहीं होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, फिर देखा जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा एग्जैक्टली क्या होना है क्या नहीं होना है। तो यहाँ पर बात करें इंडिया की, इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री एज वेल एज ए बहुत डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पर आगे बहुत ज्यादा स्कोप है। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं चार्ट की अगर बात करूँ, सबसे पहले मिड कैप की ही ले लेते हैं क्योंकि मिड कैप ओपन ओपन हुआ पड़ा है, तो आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए जब भी मैंने यहाँ पर बात करी है तो मैंने आपको हमेशा बताया, देखिए इस तरीके की जो गिरावट है ओके वो यहाँ पर बार बार होती रही है, ऐसा नहीं है दिस इज द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर एक गिरावट हुई, ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक गिरावट हुई, इसके अलावा यहाँ पर एक गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर एक गिरावट हो चुकी है, ऐसी गिरावट यहाँ पर भी हो चुकी है। ये कुछ गिरावट 8% की हुई है, कुछ गिरावट 7% की हुई है, कुछ गिरावट 6% की हुई है, तो इस तरीके की गिरावट यहाँ पर होती रही है। और जब जब यहाँ पर ये गिरावट हुई है ये अपॉर्चुनिटी बनी है, और इसके बाद चीजें ऊपर गई है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी। और देखिए ये तो पैंडमिक के बाद की बात होगी, पैंडमिक से पहले भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक गिरावट हुई, फिर भागा, फिर यहाँ पर एक गिरावट हुई, फिर यहाँ पर एक गिरावट हुई, फिर यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आई। तो यहाँ पर चीजें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़े टाइम का यहाँ पर वेट करना होता है, और जब हम वेट करते हैं तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर देखिए चीजें ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है, तो इसी तरीके से। और रिजल्ट की बात करें, कंपनी सारी की सारी कंपनी यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर रही है, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ओके और लार्ज कैप हो, तो यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज हो, तो आपको चीजें समझनी होगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आज इसने क्लोज लिया है ओके, ये थोड़ा वो शायद अगर गिरे तो यहाँ पर मुझे एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है 28,383 का, जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, 28,396 का यहाँ पर मुझे हाईएस्ट बढ़िया सपोर्ट नजर आता है। आज यूएस मार्केट देखिएगा एक बार, यहाँ पर डोजोन्स या एग्जैक्टली कर क्या रहा है, जब एक बार यहाँ पर डोजोन्स की स्थिति पता चलेगी, क्योंकि ये भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो इंडिया पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अराउंड द वर्ल्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये नीचे गिरता हुआ थोड़ा सा अगर गिरता है तो यहाँ पर मुझे यहाँ सपोर्ट नजर आ रहा है, बट अगर और भी गिरावट होती है डो जोन्स या अमेरिकन बाजार में तो फिर याद रखिएगा उसका बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर ये नजर आता है, ओके ये जो हमें दिखाई दे रहा है 26,000 लगभग 27,000 के आसपास, और सबसे बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है 26,600 के आसपास। तो इतनी गिरावट के लिए फिर आपको तैयार रहना होगा, ये आप इस चीज को याद रखिए। और इस केस में क्या है, इस केस में आपको बेहतरीन स्टॉक्स जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिनके चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और बट यहाँ पर गिरावट होती है वो हर एक स्टॉक में होती है, बट एट द एंड स्टार्टिंग से लेकर ऊपर तक जिसके चार्ट अच्छे है उन्हीं में आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप हमें एक बार देख लेते हैं, निफ्टी तो यहाँ पर समझ में आएगी, तो निफ्टी स्मॉल कैप एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
हाँ तो यहाँ पर स्मॉल कैप एक बार देख लेते हैं, तो स्मॉल कैप में भी उसी तरीके से गिरावट है। स्मॉल कैप और ज्यादा, देखिए स्मॉल कैप रिस्की होता है, मिड कैप थोड़ा सा उससे कम रिस्की होता है, और निफ्टी 50 की बात करें उससे थोड़ा सा कम रिस्की होता है। तो हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न भी इसी ने अच्छे खासे दिए थे, और जब लेने की बाजी आई तो इसने ही सबसे ज्यादा यहाँ पर सारी के सारे रिटर्न यहाँ पर लेते हुए नजर आया, और अच्छी खासी गिरावट आज के दिन में यहाँ पर होती हुई नजर आई, और इसने सारे के सारे जो लेवल थे वो यहाँ पर क्रॉस करते हुए नजर आया। इससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जुलाई 2021 में यहाँ पर सपोर्ट इस तरीके से बनता हुआ नजर आया था, यहाँ रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया था। गिरावट की बात करूँ तो अगर और गिरावट होती है तो फिर ये 9574 का लेवल लगभग 600-700 पॉइंट, 700 पॉइंट यहाँ पर नीचे ये चीजें आ सकती है, एक यहाँ पर राउंडिंग अप बना कर यहाँ पर नीचे आ सकती है चीजें, फिर इसके बाद ऊपर जाने तय। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और इसी तरीके से निफ्टी 50 की बात करूं तो ये भी एक बेहतरीन यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर देखे इससे पहले भी यहाँ रुका था, इससे पहले यहाँ रुका था, सेम यहाँ पर रुका था, और यहीं से इसने रैली भी देना शुरू किया था। तो इस चीज का अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर ये एक बेहतरीन लेवल रहेगा 16,400 में, 16,410 पॉइंट का। यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो याद रखिए एक गिरावट होती हुई नजर आएगी जो इसे लीड करती हुई नजर आएगी, और इसे यहाँ पर लेके आएगी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,536 लगभग 1400 पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पर ये निफ्टी 50 गिरता हुआ नजर आएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको अगर आपके पास पैसे है, सिंपल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आई विल नॉट फेच दिस पर्टिकुलर वीडियो मो। तो अगर हम देखें, अगर आपके पास पैसे है बाय ऑन डिप्स करते जाइए अपने स्टॉक्स में, ओके बेहतरीन स्टॉक जो दिखाई दे रहे हैं बाय ऑन डिप्स चुपचाप यहाँ पर करते जाइए, पैसे अपने आप बन जाएंगे। और अगर नहीं है पैसे तो सिंपली वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि अगर वेट एंड वॉच करेंगे तो FIs दोबारा आएंगे और सूनर और लेटर यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, और आने वाले 6 महीने जैसे कि मैंने बात करी है जून जुलाई तक, ओके यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आएगी। 6 महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, और चीजें जब भागने शुरू होगी तो यहाँ पर ये रिटर्न आपको अच्छे खासे आपका जो पोर्टफोलियो 10%, 14%, 15%, 20% जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जो स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट के बावजूद इतने पर गिरे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली भागते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक्स कौन से है, स्टॉक्स के लिए यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर वीडियोज यहाँ बना रखी है, जाके एक एक करके आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी वीडियो आती रहती है यहाँ पर, और मैं भी आपको कोशिश करूंगा उन स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर बताने की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं पर ही नजर आते हैं, ये लेवल्स टूटे तो याद रखिए और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, और साथ में डोजोन्स पे भी नजर रखिएगा, ओके डोजोन्स पे ही नजर रखिए, उससे सारी की सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। बाकी यहाँ से एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, जब ये पॉजिटिविटी दिखाई देगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखाई देगा, और यहाँ से भी थोड़ी बहुत हमें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर कवर अप होते जाएंगे, और फिर इंडिया को ऊपर जाना है, जिस तरीके से ये भागा था उसी तरीके से दोबारा भागते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, जब यहाँ पर चीजें मैं ऊपर गई थी और यहाँ पर आई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि ये लेवल है जो ये कंसोलिडेशन का लेवल है, याद रखिए ये इधर से लेके इधर तक का लेवल ये कंसोलिडेशन का है। अब देखो कितना कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद जब भागना शुरू करेगा इस लेवल को निकालेगा, इस लेवल को निकालेगा, इस लेवल को निकालेगा, और जैसे ये लेवल निकलेगा 18,500-18,600 के लेवल का, फिर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी जो इसे 20,000 तक लेती हुई जाएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सबको परेशानी हो जाती है, नए ट्रेडर्स होते हैं, नए इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इस केस में अच्छा पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा यहाँ पर खेल खेलना पड़ेगा। सो वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इन्वेस्ट फॉर एवर को प्यार देना जितना हो सकता है, और यहाँ पर्टिकुलर नंबर्स दे रखे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।